हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी लेके आए हो आप सभी के लिए, वो भी छोटे प्राइस में। दोस्तों, 1 BHK इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में अगर आपको चाहिए विथ एमिनिटीज़ के साथ में, छोटा प्राइस में, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में 15 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में, अगर आपको चाहिए एक 1 BHK, तो मोस्ट वेलकम। इस वाले प्रॉपर्टी पर आपको मिल जाएगा। G+7 का हमारा टाउनशिप है। एमिनिटीज़ भी काफ़ी सारे हैं। एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं, स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, वो सारे एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट पर आपको मिल जाएगा। पार्किंग सुविधा अवेलेबल है, सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है, CCTV कैमरा चारों तरफ लगाकर दिए गए हैं। अभी फिलहाल में हो गार्डन का साइड में, आप देख सकते हो कितने बड़े यहाँ पर आपको गार्डन दिए गए हैं। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो इस साइड में भी हमारा एक बिल्डिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसका भी 2-3 महीने में इस बिल्डिंग का आपको पजेशन मिल जाएगा। काफ़ी सारे बिल्डिंग का टाउनशिप है दोस्तों। स्टेशन से ज़्यादा 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। रेडी में चाहिए, रेडी में आपको मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में चाहिए, चॉइस फ्लैट चाहिए, 2 BHK चाहिए, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ मिल जाएगा। तो देर किस बात का, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके विजिट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको शानदार सा 2 1 BHK दो प्राइस में आपको बताऊंगा, और प्राइस भी बताऊंगा, लोकेशन कौन सा है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बिल्डिंग का हमारा OC आ चुका है। सारे प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है, बिल्डिंग का OC आ चुका है। नेशनलाइज बैंक लोन अवेलेबल है, 90-95% तक बैंक लोन पॉसिबल है दोस्तों। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा टेम्पल है, ये अपना गणेश का टेम्पल आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं, जो कि ये आज के तारीख में यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, गणेश मंदिर यहाँ पर सोसाइटी के अंदर ही बनाकर दिए गए। इस वाला अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे तो आपका रिलायंस का मार्ट आपको अवेलेबल है, रोड टच है, स्टेशन भी आपका 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे, ये पूरा एरिया आपका यहाँ पर स्टिल आपको पार्किंग दिया गया है। फ्रंट साइड में कमर्शियल है, अगर आपको कमर्शियल चाहिए तो आपको कमर्शियल भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर और देख लेते हैं फ्लैट को। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर 1 BHK का फ्लैट दिखा देता हूँ, जिसका एरिया रहेगा 595 स्क्वायर फीट का। फिर हम दूसरा वाला 1 BHK की तरफ जाएंगे, जिसका प्राइस आपका बहुत ही कम रहेगा और एरिया 480 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा लिविंग, काउंट करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। सबसे पहले लिविंग को देख लेते हैं। इस फ्लैट का एरिया है अगेन 595 स्क्वायर फीट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 14 फीट 6 इंच के आसपास ऐसे में आपको लंबाई में मिल जाएगा। ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट के आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर मैं इसकी डोर की क्वालिटी की बात करूं तो शानदार सा आपको यहाँ पर डोर का फ्रेम यहाँ पर लगा कर दिए गए हैं। शानदार सा सनमाई फिनिश के साथ में यहाँ पर आपको डोर फ्रेम भी दिए गए हैं दोस्तों। डोर भी आपका अच्छा क्वालिटी का ही आपको डोर दिए गए हैं। हैंडल आप देख सकते हो। अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये फ्लैट आपको ईस्ट वेस्ट फेसिंग मिल जाएगा दोस्तों। इस फ्लैट को देखने के बाद दूसरा 1 BHK देखेंगे दोस्तों। बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है आपको 1 BHK विथ ऑल एमिनिटीज के साथ में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बालकनी, आपको मिल जाएगा फ्रेंच विंडो रहेगा, प्लस यहाँ पर आपको ग्रिल भी लगाकर दिए गए, तो आपको ग्रिल का कुछ अलग से पे करना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किचन को। इस तरफ अगर आप आएंगे तो शानदार सा आपको मिल जाएगा किचन। किचन का साइज भी काफी अच्छा खासा रहेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कितना रहेगा आपका 2×2 4 फीट हो गया, 4 फीट 5 फीट के आसपास आपको ऐसे में यूज करने के लिए मिलेगा। लंबाई तो काफी बड़ा है, 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट हो गया, 8 फीट 9 फीट 9 फीट 4 इंच के आसपास आपको ऐसे लंबाई में मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे में आपको मिल गया 5 फीट, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट के आसपास। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक मार्बल का यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। वाटर कनेक्शन की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत कनेक्शन प्लस बोरिंग का कनेक्शन, दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। वॉल टू वॉल आपको यहाँ पर सीलिंग लेवल तक टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, जो कि अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है मुझे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक आपको पावर पॉइंट दिए गए, जो कि आपका फ्रिज के लिए पावर पॉइंट रहेगा। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि लाइट और फैन के लिए रहेगा। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए दिए गए हैं एक बालकनी, प्लस आपको बड़ा सा कॉमन बालकनी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ से डायरेक्ट बेडरूम तक जा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा आपका कॉमन बालकनी रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 फीट ऐसे रहेगा लंबाई में, अप्रोक्स ये 15 फीट से भी आपका ज्यादा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि मेरा अंदाजा सही था, 14 फीट ऐसे में आपको मिल जाएगा 2 फीट के आसपास। यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगाकर
दिए गए। और सामने वाला जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये हमारा 2 से 3 महीने में इस बिल्डिंग का आपका पोजीशन है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइमर हमारा लग चुका है, अंदर का भी काम हो चुका है, स्लाइडिंग लगा के डोर वगैरह फिट करके इसका भी हमें पोजीशन जल्द से जल्द ही देना है। तो आपको अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना है जिसमें आपका 2-3 महीने में पोजीशन है, उसमें आपको काफ़ी सारे चॉइस फ्लैट आपको मिल जाएगा, 1 BHK, 2 BHK, ये सारे स्टूडियो टाइप जो 1 BHK है वो भी आपको मिल जाएगा। हमने बाथरूम कवर नहीं किया है, बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ये रहा, एक बड़ा सा आपको मिल जाएगा यहाँ पर बाथरूम, जो कि आपको दिए गए इंडियन साइज की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये ऐसे में आपको 8 फीट, ऐसे लंबाई में 8 फीट मिलेगा, ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिलेगा 4 फीट, 1, 2, 3, 4, बराबर है 4 फीट, ऐसे ऐसे में आपको मिल जाएगा 8 फीट। वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा, इस तरफ आपका विंडो रहेगा, एक वॉश बेसिन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फिटिंग आपको अच्छा ब्रांडेड फिटिंग आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को, जो कि बहुत ही शानदार है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, जो कि एक रूम में एक अच्छा खासा एक शाइन आ रहा है। तो साइज की बात कर लेते हैं इसका, कम से कम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे में आपको 8 फीट का आसपास मिलेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास यूज करने के लिए मिलेगा। ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों। और जैसे आप बेडरूम के अंदर आएंगे तो ये मास्टर बेडरूम है दोस्तों, थोड़ा सा आगे आ जाइए तो यहाँ से आपका रहेगा दूसरा वाला बाथरूम। ये रहा दोस्तों, ये आपका बेडरूम का अंदर का एक बाथरूम रहेगा, जो कि मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेस्टर्न, एक में आपने देखा इंडियन आपको मिल जाएगा, एक में आपको मिल जाएगा वेस्टर्न। वॉल टू वॉल एज इट इज आपको टाइल्स लगा कर दिए गए, एक वॉश बेसिन आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं बालकनी, और जैसे कि मैंने आपको किचन में दिखाया था, ये पूरा कनेक्टेड है आपका बालकनी, ये किचन से लेके ये आपका बेडरूम तक आपको ये बालकनी दिए गए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरा वाला फ्लैट, जो कि है हमारा 1 BHK, स्टूडियो टाइप 1 BHK रहेगा। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में आपको अगर एक 1 BHK चाहिए तो छोटा प्राइस में ही आपको मिल जाएगा, ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर 1 BHK चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वाले वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो काफ़ी सारे यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट पर, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग विजिट के लिए प्लानिंग जरूर कर लेना। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा 480 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट है दोस्तों, ये है आपका स्टूडियो टाइप 1 BHK, जिनका बजट थोड़ा सा कम है लेकिन एक बेडरूम उनका नीड्स है, तो आप इस वाले फ्लैट पे जा सकते हो। इतने बड़े प्रोजेक्ट में विद ऑल एमिनिटीज के साथ में छोटा प्राइस में आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक स्टूडियो टाइप 1 BHK। ये भी अच्छा खासा साइज आपको मिल जाएगा इसका, लिविंग का साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये भी 14 फीट 14 फीट 6 इंच के आसपास ये लंबाई है, ऐसे में आपको मिल जाएगी यूज करने के लिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 8 फीट 9 फीट। ये भी आपका सेम एज इट इज, जो आपने 1 BHK प्रॉपर 1 BHK में देखा, एज इट इज लिविंग का साइज रहेगा। फर्क इतना ही रहेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिविंग में आपको दिए गए आपका किचन। ये रहा दोस्तों, ये आपका किचन होगा, ये लिविंग में ही आपको किचन मिल जाएगा एज इट इज। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको विंडो दिए गए हैं, वाटर कनेक्शन अगेन ग्राम पंचायत प्लस बोरिंग का कनेक्शन रहेगा दोस्तों। इस तरफ अगर आप देखेंगे फ्रेंच विंडो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा एक बालकनी, बालकनी का साइज भी अच्छा खासा रहेगा 9 फीट ऐसे रहेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 2 फीट, और बाहर का व्यू आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिलेगा, कॉम्प्लेक्स व्यू। अगर आपको फ्रंट व्यू चाहिए तो फ्रंट व्यू में भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट और बाथरूम, इस तरह से आपका टॉयलेट लंबा चौड़ा आपको मिल जाएगा, टॉयलेट साइज काफी अच्छा खासा है, ऐसे में आपको 3 फीट मिलेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे में आपको मिल जाएगा 5 फीट एज इट इज। वॉल टू वॉल यहाँ पर भी टाइल्स, बैक साइड में आपका विंडो रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बाथरूम को, इस वाले कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन मिल जाएगा, फ्रंट वॉल में आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बाथरूम को, ये रहा दोस्तों, ये आपका बाथरूम हो गया, साइज काफी अच्छा खासा है, 1, 2, 3, 4 फीट ऐसे में भी आपको 4 फीट के आसपास मिलेगा, मतलब 4x4 का आपका यहाँ पर बाथरूम दिए गए, फिटिंग आपको कंपनी फिटिंग दे दिया जाएगा। इस तरफ अगर आप आएंगे तो काफी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसे रहेगा, वाटर टैंक चाहिए तो वाटर टैंक आपको दिए गए इस तरफ, ये बेडरूम का अंदर से आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस मिलेगा। थोड़ा सा अंदर आके एक बार दिखा दीजिए ताकि एक आपको आइडिया लग जाए, ये मैंने डोर क्लोज किया, ये आपको दिए गए वाटर टैंक के लिए स्पेस। अगर आपको वाटर टैंक नहीं रखना है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हो। आप बेडरूम का आप साइज देख लीजिए, बेडरूम का साइज भी काफी अच्छा खासा ही आपको मिल जाएगा। साइज की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे में आपको 9 फीट मिलेगा, ऐसे में आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8-9 फीट ऐसे में आपको मिल जाएगा, यानी कि 9x9 का आसपास आपका बेडरूम है। स्टूडियो टाइप जो 1 BHK है उसका बेडरूम है आपका 9x9 का। अब बालकनी भी आपको दिए गई, यहाँ पर बड़ा सा आपको मिल जाएगा बालकनी, लंबाई में भी अच्छा खासा साइज आपको मिलेगा। अप्रोक्स ये देखा जाएगा तो ये 9 फीट यहाँ तक ही हो गया, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट का आसपास ये लंबाई है। ऐसे में आपको मिलेगा 2 फीट का आसपास। यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगा कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुके हैं। अब हम एक एक करके प्राइस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन नेरल सिटी में है, नेरल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है ये प्रॉपर्टी। बिल्कुल रेडी पोजिशन, बिल्डिंग का OC भी रिसीव है, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुका है। नेशनलाइज बैंक आपका लोन हो जाएगा, 90% तक आप बैंक लोन ले सकते हो। प्राइस एक एक करके, जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशल उन लोगों के लिए है। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आता है ये नेरल सिटी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 480 स्क्वायर फीट का जो 1 BHK का है, स्टूडियो टाइप 1 BHK, वो आपको मिल जाएगा 15 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, स्लाइटली नेगोशियबल रहेगा। 1 BHK 595 स्क्वायर फीट का रहेगा, वो आपको जाएगा 19,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन, वो भी आपका स्लाइटली नेगोशियबल रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी पोजिशन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।